देखिए, कल जो रिजल्ट्स निकले हैं हमारे इस चुनाव के, तो हमें खुशी है इस बात की कि हमने बहुत इम्प्रूव किया है। और जैसे कि हमने कार्य किए थे पूरे इस यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में, तो हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन बदकिस्मती ये कि थोड़े से कुछ जो लक्ष्य हमारा था उससे थोड़ा सा जो मैंडेट मिला है हमें थोड़ा सा कम मिला है लोगों की तरफ से। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसने बढ़तरी हासिल की है, आजकल 42 सीट्स उसने लिए हैं, या फिर कांग्रेस ने 6 सीट्स हासिल किए हैं, CPM ने 1 सीट हासिल की है, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, और मैं चाहता हूँ वो अच्छे से काम करें ताकि जिस मकसद के लिए लोगों ने वोट दिए हैं वो मकसद पूरा हो, ताकि जो हमारी गरीब आवाम है उनके मसाइल का अजाला हो जाए। और दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कि रिजर्वेशन के बारे में, जो 5 सीटें जो भारत सरकार ने मखसूस किए हैं, तो आप देखिए जो POK से हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत लोगों ने यहाँ पे पनाह ली थी, तब उनका कोई पुरासानी हाल से कहते हैं नहीं था। अब जो है हमारी सरकार ने इसको नोट्स में लेके, और बहुत कंसर्न भी हमारी सरकार है, और उसी को लेके सरकार ने आज उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में, वो जायज़ भी थी, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन एक ज़रूरी चीज़ है जो हमारी असेंबली में होना चाहिए, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और उनकी रिप्रेजेंटेशन आज मिली है, ये मुबारक की बात है। हम खुश हैं इस 10 साल के बाद जो सरकार बनी है, या फिर ये इलेक्शन हुए हैं, जो आदेश था कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो लक्ष्य था हमारी पार्टी का, वो उस लोगों ने पूरा किया है। इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे जो आइंदा इलेक्शन होगा, या फिर जो अभी सरपंच इलेक्शन या DDC इलेक्शन जो आ रहे हैं, उसमें भी हम अच्छी कोशिश करके इंशाअल्लाह अजीज़ लोगों को दिखाएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की खिदमत करें। और चलो, आज सरकार लोगों ने मैंडेट नहीं दिया है, स्पेशली कश्मीर प्रोविंस में, इंशाअल्लाह रहमान वो भी समझ जाएंगे, और हम कोशिश करते रहेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, और जहाँ हो सके हम लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। और हमारी पार्टी का यही मैनिफेस्टो है कि हम लोगों के लिए काम करें, जो है डेवलपमेंट करें, और इंशाल्लाह रहमान लोग भी देखेंगे, इंशाल्लाह अजीज़।